स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीटेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, हम आज आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जो चैप्टर हमारा जस्ट उसके एपी के आगे का है। इसका नाम है त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुत सारी जानकारी ट्राइंगल्स के बारे में होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ले रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज के लिए इंट्रोडक्शन, यानी परिचय इस वीडियो में आपके लिए मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिचय होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज की, ठीक है। अब अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज यहाँ पर जो है तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने होते हैं? तीन प्रकार के। देखिए, तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, वो भी हम बताएंगे आपके लिए भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर, तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं पहले टाइप की, पहले त्रिभुज के प्रकार की। पहला जो त्रिभुज होता है वो होता है आपके लिए विषमबाहु त्रिभुज। देखो, इसको भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि यहां पर सवाल करते समय इनको आपको लिखना पड़ेगा, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें, इसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो मैं लिख सकता हूं, इसमें सभी भुजाएं अलग होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। सभी भुजाएं जो है अलग होती हैं। कैसे हम त्रिभुज को बना करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये है त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी ये त्रिभुज है, और इस हिसाब से यहां पर हम बात करें कि इसमें ए सेंटीमीटर है, इसमें बी सेंटीमीटर है, और इसमें सी सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी यहां पर है सेंटीमीटर में। अगर बात करोगे यहां पर विषमबाहु, तो यहां पर सभी भुजाएं अलग हैं। देखो, यहां पर एक ए सेंटीमीटर है, एक बी सेंटीमीटर है, एक सी सेंटीमीटर है, इस तरीके से यहां पर भुजाओं की दूरी है। अब बात करते हैं हम दूसरे त्रिभुज की। दूसरा त्रिभुज जो होगा हमारे यहां पर, वो होगा आपके लिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम आपके लिए बता दें, समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें दो भुजाएं, इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, और यहां पर तीसरी भुजा अलग होती है, तीसरी भुजा अलग अलग होती है, ठीक है। तीसरी भुजा अलग होती है। कैसे बना देंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी? ये ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है, और ये मान के चलेंगे बी सेंटीमीटर है। तो यहां पर यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। भुजा के आधार पर चल रहे हैं हम। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज की बात की हमने, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज की बात की हमने। इसमें दो भुजा समान होंगी, एक अलग होगी। अब बात कर देते हैं हम यहां पर तीसरे प्रकार की। तो तीसरे प्रकार का जो त्रिभुज है हमारा यहां पर, वो कौन सा है? वो होता है आपके लिए समबाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज में बात करेंगे, इसमें जो है भुजाएं सभी समान होती हैं। लिख देंगे हम यहां पर, इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। और समान अगर होती हैं सभी भुजाएं, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, इसमें सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं, समान होती हैं, और ये त्रिभुज हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। देखो, ए बी सी, ये है ए बी सी। अब ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। अब बात आपको पता चल चुकी है, और यहां पर माना हमने ए सेंटीमीटर ये है, तो ए सेंटीमीटर ये भी है, और ए सेंटीमीटर ए भी है, ए सेंटीमीटर है तीनों, ठीक है। तो यहां पर हम इसको समबाहु त्रिभुज करेंगे। अब बात कर देते हैं जो क्लास टेंथ के लेवल की बात है। ये तो हमने आपके लिए बेसिक जानकारी यहां पर दे दी कि त्रिभुज इतने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर टेंथ का जो मटेरियल है, जो इस तरीके से किस तरीके से यूज होगा, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बताते हैं आपके लिए, इसमें दो चीजें पढ़ने को हैं।
एक है आपके लिए, क्या है यहां पर, सिमिलर, सिमिलर है ठीक है, समान यानी समरूप कहते हैं इसके लिए, समरूप, त्रिभुजों का समरूप होना। और दूसरा जो है आपके लिए वो है कुंगुरेंस सी, कुंगुरेंस यानी यहां पर इसको हम कहते हैं सर्वांगशम, सर्वांगशम। तो इन दो टॉपिक पर हम बात करेंगे और त्रिभुजों में यही दो टॉपिक आपके लिए ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी इसी पर आधारित हमारी एक्सरसाइज पहली होने वाली है। तो हम इनके बारे में जान लेते हैं कि सिमिलर यानी समरूप क्या होते हैं फिगर्स, और कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम क्या होते हैं, और इसको हम बल्कि यहां पर कह देंगे त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुजों के आधार पर हम चीजें जानेंगे, ये पूरा हमारा जो टॉपिक है वो त्रिभुज का टॉपिक है जिसमें हम समरूप और सर्वांगसम को पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए अब हम सर्वांगसम और समरूप को समझेंगे। देखिए यहां पर हम आपके लिए बता रहे थे कि समरूप और यहां पर समरूप की बात करेंगे और हम बात करेंगे आपके लिए सर्वांगसम की, ठीक है, समरूप और सर्वांगसम। अब सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं यहां पर समरूप का। तो समरूप में अगर हम बात करें, समरूप में क्या होगा, समान रूप होगा, समान रूप यानी एक जैसा जब रूप आपको दिखेगा कोई भी फिगर का, कोई भी आकृति का, तो आपके लिए हम समरूप कहेंगे उसको, एक जैसा दिखना। अच्छा, एक जैसा दिखने में क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये त्रिभुज बनाया, एक ये इतना छोटा त्रिभुज है एबीसी, और अगर हमने इससे बड़ा एक त्रिभुज बना दिया, ये एबीसी, तो ये त्रिभुज देखो एक जैसे हैं, ये त्रिभुज क्या है, एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों है हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पर भी इनका भुजाओं का जो अंतर है, जो भुजाएं हैं, जैसे मान लो ये दो दो का बना हुआ है और ये तीन तीन का बना हुआ है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर का बना हुआ है। तो आप ये देखिए कैसे ही है, आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, तो ये सिमिलर है, कैसे है, सिमिलर यानी समरूप। तो समरूप में आपको बात ध्यान रखनी है कि फिगर जो बने होंगे उनके लिए जो भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात यानी भुजाओं का जो रेशियो होगा, भुजाओं का अनुपात वो ज्यादा या कम हो सकता है, ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है, ज्यादा या कम हो सकता है, यानी भुजाओं का अनुपात जो है वो या तो कम हो सकता है या ज्यादा, जैसे इसमें भुजाओं, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो लेकिन ये दिखने में कैसे हैं, समरूप हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। जैसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक छोटा सा वर्ग बना हुआ है, इसके बाद एक बड़ा वर्ग बना हुआ है, फिर इसके बाद एक और वर्ग बना हुआ है, तो ये कैसे हैं, ये भी सिमिलर ही हैं, ये कैसे हैं, सिमिलर हैं, यानी एक समान है, समरूप है। तो हम इन फिगर्स को हम समरूप कहेंगे। जब भी कोई फिगर एक अनुपात में, एक भुजाओं का अनुपात जो होगा वो छोटा या बड़ा हो सकता है, तो हम उन्हें समरूप कहेंगे। बात समझ में आ गई, समरूप के लिए, समरूप किसे कहेंगे, समरूप वो फिगर्स होंगे कहीं ना कहीं जो है एक जैसे दिखते होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे। अगर मान लो आपने ये त्रिभुज बना दिया, आपको वर्ग बन गया, तो क्या एक जैसे है, ये नहीं है, ये एक जैसे नहीं है, बात समझ रहे हो। तो हमें एक जैसे दिखना चाहिए, एक जैसे मतलब ये त्रिभुज छोटा बना है तो एक बड़ा बना हुआ है, तो हम इन्हें कह सकते हैं सिमिलर है, ठीक है। ऐसा ही और देखो और समझ लो, अगर मैंने एक आयत बना दिया, छोटा सा आयत बन गया और एक बड़ा सा आयत बन गया, फिर से एक बड़ा और आयत बन गया, तो ये कैसे ही है फिगर, ये है सिमिलर, इन्हें हम सिमिलर फिगर कहेंगे यानी समरूप कहेंगे, क्या कहेंगे, समरूप, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे समरूप फिगर, समरूप आकृतियां। अब बात करते हैं समरूप के बाद, अब समरूप में भी एक बात बता देते हैं, कोई भी फिगर अगर समरूप है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी फिगर समरूप है तो वो जरूरी नहीं है, यहां पे लिख सकते हैं जरूरी नहीं, सर्वांगसम हो, ध्यान से सुनना, सर्वांगसम हो, इस बात को आप लिख सकते हो। यानी यहां पर कोई भी समरूप फिगर्स होंगे, कोई भी समरूप होंगे, तो हम उनके लिए ये बात बता सकते हैं कि वो जरूरी नहीं सर्वांगसम हो। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम अब हम समझेंगे, पहले फिर इस टॉपिक पे आएंगे, इस पॉइंट को क्लियर करेंगे आपके लिए कितनी अच्छी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो, समरूप जो फिगर्स होंगे वो जरूरी नहीं है सर्वांगसम हो जाए, लेकिन यहां पर बात करेंगे जो सर्वांगसम होंगे वो समरूप जरूर होंगे, इस बात को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। देखिए हम समरूप की बात, अब हम सर्वांगसम की बात कर लेते हैं, सर्वांगसम की।
अच्छा यहाँ पर आपके लिए बता दें कि कांग्रेस होना यानी सर्वांगसम होना कुछ कसौटियों पर होता है, जिसमें कसौटी कौन कौन से होते हैं हम उनको लिख देते हैं, जो हम उनको क्राइटेरियन कहते हैं। देखिए क्राइटेरियन में आपके लिए इसको हिंदी में कसौटी कहेंगे, और ये कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम इस बात पर यहाँ पर बात करते हैं। पहला यहाँ पर होता है आपके लिए SSS, ठीक है। यहाँ पर SSS का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं आपके लिए भुजा भुजा भुजा, ये होता है। इस आधार पर हम बता सकते हैं अगर किसी भी त्रिभुज की, किसी भी दो त्रिभुज की अगर भुजाएं समान है, उनके भुजाएं एक जैसी हैं, तो हम उन्हें सर्वांगसम दिखा सकते हैं। जैसे इसमें मैंने ये त्रिभुज बना दिया, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, ऐसे यहाँ भी बना दिया हमने सेम दो दो दो, तो ये कैसे है, ये समरूप है। ऐसे ही अगर हमने बना दिया यहाँ पर ये दो है, ये तीन है, ये दो है, तो इस हिसाब से यहाँ भी बन जाएगा ये दो है, ये तीन है, ये दो है, तो ये कैसे फिगर्स है, या समरूप फिगर्स है। किसके आधार पर, ट्रिपल एस के आधार पर, यानी एस एस साइड साइड साइड, यानी भुजाओं के आधार पर। अगर भुजाएं तीनों बराबर हैं, तीनों भुजा बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम उनको सर्वांगसम दिखा सकते हैं, सर्वांगसम बता सकते हैं। ये पहली कंडीशन क्राइटेरियन हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी क्राइटेरियन की। देखिए यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर बताएंगे कि समरूप जरूरी नहीं है सर्वांगसम हो, लेकिन यहाँ पर जो सर्वांगसम फिगर होगा, जो सर्वांगसम होगा वो सिमिलर जरूर होगा, इस बात को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए हम दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन होती है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड, हम यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा। इस आधार पर अगर हम दिखाना चाहते हैं किसी फिगर को, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस क्राइटेरियन की मदद से, किसी भी त्रिभुज के दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। बात समझ रहे हो, तो यहाँ पर इस तरीके से किसी भी त्रिभुज के साइड बराबर होंगी और एंगल भी बराबर होंगे, एक एंगल बराबर होगा और दो दो साइड बराबर होंगी। अब हम तीसरी कंडीशन को यहाँ पर लिख रहे हैं। तीसरी कंडीशन आपके लिए है ए एस ए, यहाँ पर ए ए एस ये भी हो सकता है, यानी कोण कोण भुजा, ये हो सकता है आपके लिए। इसके आधार पर आप इस क्राइटेरियन की मदद से, इस कसौटी की मदद से आप बता सकते हो दो त्रिभुजों में कि ये जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम होंगे। उसके बाद अगला देखो ए एस ए, यहां पर इस आधार पर इसको भी दिखा सकते हैं। एक यहां पर ये मत लिखो, यहां पर आप चौथी क्राइटेरियन जो लिखेंगे वो लिखेंगे आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी हम इसको कहते हैं यहां पर समकोण, और यहां पर आपके लिए है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से यहां पर हाइपोटेन्यूज है, इसे हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण कहते हैं कर्ण, और ये हो गया आपके लिए साइड यानी भुजा। तो इस आधार पर अगर हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, मान लो ऐसे त्रिभुज बने हुए हैं, तो ये पी क्यू आर है और ये ए बी सी है, तो ये राइट एंगल किस पे है, क्यू पर यहां पर राइट एंगल है, बी पर यहां पर राइट एंगल है, इस तरीके से हम बता सकते हैं ये वाला जो है आर एच एस क्राइटेरियन से सर्वांगसम होगा, यानी सब चीजें हम यहां पर सर्वांगसम को जान सकते हैं। तो यहां पर देखिए सर्वांगसम होना एक जैसा फिगर बिल्कुल होता है, लेकिन सिमिलर में एक जैसा फिगर नहीं होता। देखिए यहां पर, यहां ध्यान से देखिए, ये जो सर्वांगसम है इस फिगर के अंतर्गत, तो ये दोनों इनकी माप जो होंगी बिल्कुल एक जैसी होंगी इन त्रिभुजों की, तो हम इन्हें सर्वांगसम कहेंगे। अच्छा, जो सर्वांगसम होगा क्राइटेरियन के तौर से, इसकी साइड उसकी साइड के बराबर है, इसकी इसका एंगल इसके एंगल के बराबर है, इसकी तीसरी साइड उसकी साइड के बराबर है, इसका मतलब ये बिल्कुल एक जैसे होंगे, माप में भी एक जैसे होंगे, तो माप में एक जैसे होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम जो फिगर होगा वो हम ये कह सकते हैं निश्चित तौर पर वो समरूप होगा, समरूप होगा, ठीक है, जो सर्वांगसम होगा वो समरूप होगा, लेकिन जो समरूप होगा वो जरूरी नहीं, यहां पर लिख देना, वो जरूरी नहीं सर्वांगसम हो, इस बात को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपके लिए बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिया त्रिभुज के रूप में, यहाँ पर त्रिभुज का पूरा यहाँ पर सिस्टम हमने आपके लिए बताया कि किस तरीके से क्राइटेरियन को यूज करेंगे और कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कैसे कैसे हमें त्रिभुज में जो है प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो इसी पर आधारित हमारी पहली एक्सरसाइज आएगी जो कि आप अब देखेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन पहले यहाँ पर जान लीजिए पूरी तरीके से, एक बार देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद जब हम मिलेंगे यहाँ पर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो आपके लिए एक्सरसाइज लेकर के आएंगे 6.1, और उसमें देखें आप किस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।